नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यालय में शिपिंग, एविएशन एंड टूरिज्म प्रभाग का सम्मेलन, मेरी संस्कृति मेरी पहचान रहा चर्चा का विषय। रांची में ब्रह्म कुमारीज ने लगाया द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेला, शहर के कई बुद्धिजीवी लोग हुए शामिल। डीके निर्मला ने परमात्मा के दिव्य नाम रूप और कर्तव्य का दिया परिचय। ग्वालियर के प्रभु उपार भवन सेवा केंद्र पर महिलाओं के लिए सम्मेलन, आध्यात्मिकता द्वारा समाज को नई दिशा विषय पर चिंतन मंथन। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी विषय पर सेमिनार, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग का आयोजन। अहमदाबाद के महादेव नगर सेवा केंद्र पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर, 60 से भी अधिक लोगों ने कराई नेत्र जांच। ब्रह्मा कुमारीज और तेज आई सेंटर का संयुक्त आयोजन। बुलेटिन की शुरुआत मुख्यालय की खबर से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिपिंग, एविएशन एंड टूरिज्म प्रभाग द्वारा मुख्यालय मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में सम्मेलन का आयोजन हुआ। मेरी संस्कृति मेरी पहचान विषय पर आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर संस्था के महासचिव बीके ब्रिजमोहन, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी के अकेडमिक्स हेड डॉक्टर जी के चौकियाल, एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर हरप्रीत सिंह, DGCMA के डायरेक्टर जर्नल ऑफ सिविल एविएशन मनोज कुमार गोयल, प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मीरा, राष्ट्रीय संयोजिका बीके कमलेश, मुख्यालय संयोजक बीके संतोष मुख्य रूप से मौजूद रहे और चर्चा के लिए चुने गए विषय पर गहराई से चिंतन मंथन करते हुए संस्था से जुड़ने के बाद हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। मैंने एक और चीज धारण की थी कि मैं हर रोज सुबह उठ के मेडिटेशन से पहले आई एम अ प्योर सोल, और चाहे आपको लगे कि आई एम नॉट केपेबल, मैं कैसे अपने आप को प्योर बोलूं, वो बोलने से ही ना वो धीरे 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 आपको प्योरिटी में ही खिंचाव आ जाएगी। 5 विकार मिटाने का एक ही तरीका है, कनेक्ट विद गॉड। अब ये कनेक्शन जो है कोई तारों का नहीं है, ये मानसिक है। तो जैसे आप जिस चीज से कनेक्ट करते हैं अपने मन को, वैसा आपके अंदर ख्याल आना शुरू हो जाता है। अगर हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो जरूर हमें सफलता प्राप्त होती है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये गुण, ये क्वालिटी, ये वैल्यू, ये हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। दया को धर्म का मूल बताया गया है। कहते हैं दया वो भाषा है जिसको एक बहरा भी सुन सकता है, और जो ब्लाइंड पर्सन है, जो नैनहीन है, वो भी उसको देख सकता है। दया एक ऐसी भाषा है। राजकोट में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित श्री सरस्वती सम्मान समारोह में ब्रह्मा कुमारी संस्था को भी आमंत्रित किया गया। श्री सरदार पटेल सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित इस समारोह में अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने कहा कि आज स्टूडेंट लाइफ से ही बच्चों को सोशल मीडिया का एडिक्शन हो रहा है, जिसके चलते बच्चों में तनाव, क्रोध, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी बढ़ती जा रही है। इसीलिए बच्चों को आज स्पिरिचुअल नॉलेज और राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा जरूर देनी चाहिए। तो वहीं बीके संध्या ने सभी बच्चों को ब्रेन जिम एक्सरसाइज कराकर रिफ्रेश किया। ग्वालियर के माधोगंज स्थित प्रभु उपहार भवन सेवा केंद्र पर आध्यात्मिकता द्वारा समाज को नई दिशा विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय महिला जागरण की प्रमुख आशा सिंह, किशोर न्यायालय बोर्ड की पूर्व मेंबर शकुंतला सिंह परिहार, आर्यन स्कूल एवं कॉलेज की संचालिका दीपिका, जनक हॉस्पिटल की निदेशिका डॉक्टर वीरा लोहिया, लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके भारत भूषण और बीके ज्योति समेत कई समाज सेवी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। समाज सेवा प्रभाग के इस आयोजन में बीके भारत भूषण ने बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर सबको संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत को भारत माता कहते हैं, भारत पिता नहीं, क्योंकि भारत देश का उद्धार माताओं द्वारा ही हुआ था, और आज फिर भगवान ने माताओं को पुनः वही जिम्मेवारी सौंपी है। इसीलिए मैं आप सब बहनों से इस भागीरथ कार्य में सहयोगी बनने का आग्रह करता हूँ।
चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आशा सिंह ने कार्यक्रम के विषय पर ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि अगर हम सभी को इस बात का एहसास हो जाए कि हम सब एक पिता के संतान होने के नाते आपस में भाई भाई हैं, तो हमारे बोल, कर्म और व्यवहार स्वतः ही परिवर्तित हो जाएंगे। इसके अलावा बीके आदर्श और बीके ज्योति ने भी अपने महत्वपूर्ण विचारों से सभी का मार्गदर्शन किया। मेरठ के प्रभु मिलन सेवा केंद्र के सदस्यों ने कावड़ियों को ईश्वरी संदेश देने के लिए नायाब तरीका निकाला। उन्होंने शंकर जी, नारद जी और हनुमान जी का रूप धरकर दो दिनों में 50 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए मेरठ के मोदीपुरम, पल्लवपुरम, बेगमपुर, मोदीनगर, मोहितदीनपुर समेत कई स्थानों से आने वाले शिव भक्तों को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया, जिसके द्वारा सैकड़ों कावड़ियों ने परमात्मा शिव और शंकर देवता में अंतर जाना। इसके अलावा भविष्य में आने वाली सत्ययुगी दुनिया का संदेश प्राप्त किया। नारद, हम सभी देवताओं को अपना शरीर है और किसी भी देहधारी को परमात्मा व शिव कहना अज्ञान है। शिव अर्थात शव से परे, ना तो उन्हें साकार ना ही हमारी तरह आकारी शरीर है, वे तो प्रकाश स्वरूप है, दिव्य ज्योति है। इसलिए ही मेरे सामने ज्योतिर्लिंग सदा ही रहता है। रांची के रातू रोड स्थित साई मंदिर में ब्रह्मा कुमारी के हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष दीन दयाल बनवाल, जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव अभय नंदन अंबस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गीत संगीत से सजे इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने परमपिता परमात्मा शिव के दिव्य गुणों और कर्तव्यों की जानकारी देते हुए उनसे राजयोग द्वारा बुद्धि योग लगाने का संदेश दिया। इसके बाद अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग द्वारा साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी विषय पर आयोजित सेमिनार में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर दिलीप कुमार बिश्नोई, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ पशुपालक, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चीफ एनवायरमेंटल इंजीनियर डॉक्टर निहार रंजन साहू, नेमन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मन गोविंद मिश्रा समेत कई बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे। सम्मेलन का शुभारंभ रसायन शास्त्र में अमूल्य योगदान देने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर गोकुलानंद मोहापात्रा को श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर कुलमणि परिदा को सम्मानित किया गया। साथ ही सभी अतिथियों और सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने सम्मेलन के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को कल्प तरु प्रोजेक्ट ऐप की जानकारी दी गई और इसके बाद सभी ने वृक्षारोपण किया। अहमदाबाद के महादेव नगर सेवा केंद्र पर तेज आई सेंटर के सहयोग से निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। महादेव नगर सब जोन प्रभारी एवं युवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके चंद्रिका और तेज आई सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर तेजल दलाल और रोटरी क्लब अहमदाबाद के अध्यक्ष रवि श्रीवास्तव की उपस्थिति में संपन्न हुए इस शिविर में 60 से भी अधिक लोगों ने अपनी नेत्र जांच कराई, जिन्हें चिकित्सकों ने उचित परामर्श दी। इसके अलावा सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों के लिए आयोजित योग तपस्या कार्यक्रम में बीके चंद्रिका दीदी ने राजयोग के अभ्यास द्वारा आंतरिक शक्तियों की अनुभूति करने के टिप्स दिए। ऐसे श्री शिव आध्यात्मिक फाउंडेशन, रोटरी क्लब अहमदाबाद और महादेव नगर सेवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब की चेयरपर्सन रवि श्रीवास्तव, सचिव वैशाली श्रीमाली मुख्य रूप से उपस्थित रहे। श्री शिव फाउंडेशन की ट्रस्टी बीके चंद्रिका दीदी, साधना भवन की राजयोग शिक्षिका बीके कीमती, युवा प्रभाग के कोर कमेटी मेंबर बीके रीटा और बीके विवेक ने कल तरु प्रोजेक्ट के विस्तार से जानकारी देते हुए वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया।
अब एक खबर और अहमदाबाद की, जहां वटवा सेवा केंद्र की रजत जयंती समारोह मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशि प्रकाश क्षत्रिय, यूनिवर्सल इंजीनियरिंग कॉलेज के दशरथ भाई पारेख, मणिनगर सब जोन प्रभारी बी के नेहा बहन, सीनियर राजयोग टीचर बी के अमर, वटवा सेवा केंद्र प्रभारी बी के तारा, महादानी स्पिरिचुअल फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश पटेल की उपस्थिति में धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर मुकेश पटेल ने इस दौरान ईश्वरी जीवन के अपने अनुभव सुनाए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तालापारा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा बाल मुकुंद माध्यमिक विद्यालय में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बी के भगवान ने कहा कि समाज की परीक्षा को पास करने के लिए नैतिक मूल्यों की शिक्षा होना बहुत जरूरी है। यहाँ से तो बच्चे पास हो जाते हैं, समाज की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। समाज की परीक्षा में पास होने के लिए मूल्यों की जरूरत है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको कोई मार्क नहीं देखेंगे आपके, लेकिन आपके व्यवहार कैसा है, आपके अंदर बोलने का तमीज क्या है, आप बैठे कैसे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।